नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक काफ़ी तगड़ा कंपैरिजन जो कि दोस्तों वन प्लस नाइन प्रो और सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G। दोस्तों इन दोनों फ़ोन में आपको प्राइस का डिफरेंस देखने को मिलता है और फीचर्स का भी देखने को मिलता है। तो आज मैं आपके सामने इन दोनों ही फ़ोनों का कंपैरिजन करने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आपको पता लग सके कि आप अगर इन दोनों में से ही कोई सा भी फ़ोन लेना चाह रहे हो तो आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, वैल्यू फॉर मनी रहेगा, और कौन सा फ़ोन आपके लिए फ्यूचर प्रूफ रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप इतना महंगा फ़ोन लोगे तो सीधी सी बात है, दो चार साल तो उसे चलाओगे ही, दो तीन साल तो दोस्तों आपको चलाना ही है। तो आप एक ऐसा फ़ोन ले सको जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो। तो आज इस वीडियो पूरा देखें और मैं आपको इन दोनों फ़ोन का फुल कंपैरिजन देने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये है हमारे पास वन प्लस की तरफ से वन प्लस नाइन प्रो 5G और जे एस सैमसंग की तरफ से सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G। दोनों ही दोस्तों हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको आज पूरा कंपनी दिखाने वाला हूं। तो चलते दोस्तों मेन पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों जी देखिए, जी है मेरे पास दोनों मोबाइल, ये है मेरे पास जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है इस साइड में, जी है मेरे पास दोस्तों वन प्लस नाइन प्रो 5G और जी है दोस्तों मेरे पास सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G। तो दोनों ही फ़ोन देखने में काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, क्योंकि दोनों ही फ़ोन काफ़ी कॉस्टली भी हैं और काफ़ी दोस्तों फ्लेक्सी लेवल वाले भी हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपको बनाई है, आपके लिए बनाई है, सिर्फ इसलिए कि आपको किस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए अगर आप इन दोनों में से कोई लेने की सोच रहे हो। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि प्राइस की, क्योंकि मेन चीज़ दोस्तों प्राइस ही है। कि लोगों का दोस्तों जितना बजट होता है वो उस हिसाब से अपने लिए कोई भी फ़ोन देखते हैं। तो इसकी बात करूं तो दोस्तों 8GB और 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 50,000 रुपये। मेरे पास दोस्तों ये 12 और 256 वाला है, बट मैं आपको 128GB वाले बता रहा हूं, क्योंकि ये भी दोस्तों 128 में आता है। इसकी दोस्तों प्राइस है वन प्लस की 50,000 रुपये और इसकी प्राइस दोस्तों आपको है सैमसंग वाले की S20 अभी की, इसकी प्राइस दोस्तों समथिंग 38,000 रुपये, 38 से 39,000 रुपये समथिंग मिल जाता है ये अगर आप इसे मार्केट से लेते हो। तो आपको करीब 10-12,000 रुपये डिफरेंस मिलता है। तो दोस्तों आपको 10-12,000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा देने चाहिए या आपको इसको खरीद कर 10 या 12,000 रुपये बचाने चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों देखिए डिस्प्ले की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें मिलती है हमें 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले फुल HD रेजोल्यूशन के साथ, और इसमें मिलती है वन प्लस में हमें 6.7 इंच की क्वाड HD+ डिस्प्ले सुपर एमोलेड वाली 2K रेजोल्यूशन के साथ। तो डिस्प्ले में दोस्तों काफ़ी बड़ा फ़र्क है, इसमें आपको फ्लैक्स वाली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि जिसकी डिस्प्ले ख़राब है, इसकी भी काफ़ी अच्छी है, बट आप अगर आप कंपेयर करते हो तब आपको इसकी वन प्लस की ज़्यादा बेटर लगेगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दोस्तों दोनों ही फ़ोन के अंदर है, इसके अंदर दोस्तों मैंने ऑन किया हुआ है बट इसमें मैंने ऑफ किया हुआ है, दोनों के अंदर दिया गया है, आपको पता होगा सैमसंग में मिलता है। बैक पैनल की बात करें दोस्तों तो सैमसंग में मिलता है हमें प्लास्टिक बॉडी, क्योंकि S20 अभी दोस्तों प्लास्टिक बैक के साथ आता है, और इसमें मिलती है हमें दोस्तों ग्लास बॉडी, तो इसमें थोड़ा अलग से लुक आता है ग्लास बॉडी को देखते हुए। कैमरे की दोस्तों बात करते हैं तो हमें दोस्तों सैमसंग मिलता है ट्रिपल कैमरे का सेटअप, और वन प्लस में मिलता है दोस्तों हमें क्वाड कैमरे का सेटअप। कैमरा क्वालिटी दोस्तों दोनों फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। और फ्रंट कैमरे की बात करूँ दोस्तों फ्रंट में हमें मिलता है सैमसंग में 32 MP का सेल्फी कैमरा, और वन प्लस मिलता है दोस्तों हमें 16 MP का सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों सेल्फी कैमरा थोड़ा सा बेटर है दोस्तों सैमसंग का इससे, क्योंकि इसका 16 MP का है और सैमसंग का दोस्तों 32 का है, तो थोड़ा सा फ़र्क है दोस्तों। मैं MP के ऊपर नहीं आ रहा, बट मैंने यूज किया हुआ है तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा दोस्तों दोनों कैमरे में फ़र्क है, सैमसंग का दोस्तों थोड़ा बेटर है इससे, बट अगर आप सिंगल फ़ोन यूज़ करोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, आपको इसके कैमरे भी काफ़ी अच्छा फ़ोटो खींच के देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पोर्ट्स बटन की, तो दोस्तों देखिए इसके लेफ्ट में हमें दोस्तों पावर बटन मिल जाता है और ऊपर ही मिल जाता है वॉल्यूम का अप डाउन बटन, बट इसमें मिलता है वन प्लस में हमें दोस्तों यहाँ पे पावर ऑफन बटन, और दोस्तों यहाँ मिलता है स्लाइडर जो आपको दोस्तों आईफोन में और वन प्लस में देखने को मिलता है स्लाइडर वाला ऑप्शन दोस्तों जो होता है, और इसके इस साइड में मिलता है दोस्तों हमें वॉल्यूम अप डाउन बटन। नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे सिम ट्रे मिलती है वन प्लस में, और ये है दोस्तों इसका माइक USB Type-C पोर्ट, और ये है इसके स्पीकर। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है
ये माइक, ये दोस्तों इसका यूएसबी टाइप सी पोर्ट, और ये अगर ये है इसका स्पीकर। दोस्तों दोनों ही फ़ोन में हमें डुअल स्पीकर देखने को मिलते हैं डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ। और दोस्तों अच्छी बात मुझे सैमसंग में एक चीज़ चील लगी है कि आप वन प्लस के अंदर दो सिम यूज कर सकते हो बट मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते, बट सैमसंग में दोस्तों आप दो सिम भी लगा सकते हो, और अगर आप मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हो तो आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मेन पॉइंट की, जो दोस्तों इसका चार्जर, क्योंकि दोस्तों दोनों ही बैटरी मिलती है 4500 mAh की, बट वन प्लस में दोस्तों हमें अच्छी लगती है ये कि इसके अंदर दोस्तों हमें मिलता है ये 65 वाट का दोस्तों एक फास्ट चार्जर, जो दोस्तों हमें बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है ये देखिए, जिससे आप अपने फ़ोन को 45 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों ये चार्जर है जिससे आपका फ़ोन काफ़ी जल्दी क्विक चार्ज हो जाता है। बट दोस्तों सैमसंग के अंदर हमें मिलता है एक 15 वाट का चार्जर, जिस फ़ोन तो दोस्तों 25 वाट को सपोर्ट करता है, बट आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा सिर्फ 15 वाट का चार्जर। तो अगर आप इसका चार्जर अलग से लेना चाहते हो तो वो दोस्तों कम से कम 1500 से 1600 रुपये का आपको यहाँ से मिल जाएगा, बट वन प्लस हमें बॉक्स के अंदर देता है 65 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, और चार्जर भी दोस्तों हमें बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो देख रहे हैं दोस्तों फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं, स्टोरेज वगैरह दोस्तों दोनों ही फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। मैं आपको दोनों की यूआई दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों वन प्लस में दोस्तों हमें मिलता है एक इस तरीके से ऐप डोर, जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरीके से, और सैमसंग दोस्तों हमें ऊपर करके साइड से करना पड़ता है इस तरीके से, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ऊपर से दोस्तों आपको दिखाऊं तो आप दोस्तों देखिए दोनों का फ़ोन काफ़ी अलग है, किसी को सैमसंग की दोस्तों यही पसंद आती है दोस्तों, किसी को आती है वन प्लस की। दोस्तों मैं बात करूं तो मुझे दोनों ही बेटर लगी, क्योंकि दोस्तों दोनों ही अपनी जगह पर काफ़ी अच्छा अच्छा वर्क करती हैं। तो सैमसंग में दोस्तों मुझे एक चीज़ और अच्छी लगती है जो वन प्लस में देखने को नहीं लगती, सैमसंग में दोस्तों आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो इस फ़ोन में, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको सैमसंग का डायलर मिलता है नॉर्मल वाला, बट वन प्लस में मिलता है दोस्तों आपको गूगल वाला डायलर। तो अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग करते हो वन प्लस में, तो दोस्तों आपकी रिकॉर्डिंग का सामने वाले को पता लग जाएगा कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, बट सैमसंग में आप बिना किसी को पता लगे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दोस्तों ये अच्छी बात भी है और सही भी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना दोस्तों वैसे ठीक नहीं होता, बट फिर भी काफ़ी लोगों को रिकॉर्डिंग अच्छी लगती है क्योंकि वो अपने पास रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं। तो दोस्तों वो आप सैमसंग में यूज कर सकते हो, वन प्लस में अगर आप करोगे तो सामने वाले को पता लग जाएगा कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो ये एक अच्छा फीचर है सैमसंग के फ़ोन में, हर फोन में नहीं आता, बट जो सैमसंग S20 FE में आपको दिया गया है। अब दोस्तों मैंने आपको कई चीज़ बता दी इस फ़ोन के बारे में, बैटरी बता दी, तो दोस्तों मैंने हर एरिया कवर कर दिया। दोनों ही फ़ोन में दोस्तों आपको वाटर रेजिस्टेंस का फीचर देखने को मिलता है, हल्की फुल्की बारिश में दोस्तों अगर दोनों ही फ़ोन भीग जाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बट ये दोस्तों फीचर है जो कोई वारंटी में नहीं है, तो आप ऐसा यूज करके बिल्कुल मत देखना कि आप इनको जानबूझ कर पानी में डाल दो, क्योंकि अगर इनमें कोई दिक्कत आ गई तो कंपनी इनकी वारंटी नहीं देती, जिस सिर्फ हमें फीचर्स मिलता है, कंपनी की तरफ से वारंटी कुछ भी नहीं मिलती है। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। दोस्तों दोनों ही फ़ोन की UI हैं काफ़ी अलग हैं, बट दोनों ही काफ़ी स्मूथ हैं। तो जो लोग दोस्तों काफ़ी टाइम सैमसंग यूज़ करते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से सैमसंग का फ़ोन चलाते आ रहे हैं, उनको सैमसंग की UI काफ़ी पसंद आने वाली है, क्योंकि दोस्तों सैमसंग की UI है काफ़ी सिंपल है और एकदम स्मूथ चलती है। बट अगर आप कोई नया फ़ोन लेना चाहते हो, या आप चाहते हो सैमसंग को यूज़ करते काफ़ी टाइम हो गया, अब हमें कोई और फ़ोन लेना चाहिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। वन प्लस दोस्तों UI है काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी क्लीन है, बिल्कुल भी इसको आपको दोस्तों इसमें बिल्कुल भी लैगिंग देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी स्मूथ चलता है ये। जैसे सैमसंग दोस्तों आपको थोड़े बहुत ऐड देखने को मिलते हैं, वो आपको इस UI में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक स्टॉक एंड्रॉयड वाली फीलिंग देता है। और दोस्तों ये चलता है सैमसंग वन UI के ऊपर, और ये चलता है दोस्तों ऑक्सीजन UI के ऊपर, वन प्लस जो है दोनों की UI काफ़ी पसंद है मुझे तो। बट अगर मैं अपनी पर्सनल दोस्तों चॉइस बताऊं तो मुझे सैमसंग की UI ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि दोस्तों उसको मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूं, बट जब मैं इसको यूज करने लग जाऊंगा तो मुझे ये भी अच्छी लगने लग जाएगी। तो दोस्तों अगर आपका बजट 40,000 के समथिंग है तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो, बट दोस्तों अगर आपको चाहिए एक ऐसा फ़ोन जिसमें
प्रोसेसर दोस्तों जो है काफ़ी अच्छा मिले, नया मिले, तो आप वन प्लस की तरफ जा सकते हो, जिसकी प्राइस 200 थोड़ी एक्स्ट्रा है, क्योंकि सैमसंग में मिलता है हमें स्नैपड्रैगन का 865 वाला प्रोसेसर, जो दोस्तों 2 साल पुराना प्रोसेसर है, बट काम अभी भी अच्छा करता है, जिसका एंटूतू स्कोर भी 6 लाख के आसपास आता है और वन प्लस का आता है 7 लाख के आसपास। तो दोनों ही प्रोसेसर स्नैपड्रैगन के हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं, पर जो 888 प्रोसेसर है दोस्तों, ये एक फ्लैगशिप लेवल में आ जाता है, जिसकी प्राइस भी दोस्तों से फोन की 50,000 से ऊपर आती है। तो आप चाहो तो वन प्लस ले सकते हो, बट अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप सैमसंग के S20 FE की तरफ भी जा सकते हो, जो कि दोस्तों आपको 40,000 के अंडर मिल जाएगा, 8/128 GB वाले वेरियंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आपके लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब बिल्कुल लाऊँ, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ और लाऊँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।